बहुत अच्छा है, माधीपुरी में गंगा बह रही है, हम गोता लगा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सरियार एक सोने की पट्टी लेकर ना उसको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं। यहाँ पे आके मेरे को सभी मतलब दीदी ने जैसे इनको गोल्ड दे दिया, अभी इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे जेवर बना लिए, सभी के चेहरे इतने अच्छे लग रहे हैं कि बहुत अच्छे तो ये मुकुट लग रहे हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जी के मुकुट चमकते हैं ना, वैसे ही महसूस होता है। सबसे पहले तो बाबा का शुक्रिया, दीदियों का उसके बाद, दीदियों ने जिन्होंने आपको बुलाया, आप हमारी धुरी में आई। मैं ये कहूंगी कि मेरी तरफ से हमारे सारे ब्राह्मण परिवार के से आपको बहुत बहुत, मतलब मैं मुरली तो रोज सुनने जाती हूँ पर मेरा योग ही लग रहा था, पता नहीं टाइम नहीं होता जा क्या करते हैं, जब योग आता नहीं था, जब भी जाना टाइम पे जाना मुर्गी सुनी तो वापस चले जाना, पता नहीं था योग कैसे माने। आपने बहुत अच्छा बताया, दो दिन में हमें इतना पता चल गया कि योग कैसे माने, मतलब हमें तो ये पता था कि हमें फरिश्ता बनना है, पर ये नहीं पता था कि जो सात थे तो क्या आठ फरिश्ते आपने बताई, तो उन आठ फरिश्तों की इतनी अच्छी सी प्रैक्टिस करवा दी आपने कि अब हमारा लगता है कि योग हम जरूर लगा सकते हैं लगाएंगे। बाकी अच्छा, बहुत बढ़िया, आज ही मैं आ रही थी रास्ते में कोई मिली लेडी, वैसे मिली थी वो तीन चार महीनों काफी टाइम के बाद मिली थी, वो कह रही थी आप कैसे हो, मैंने कहा बहुत बढ़िया बढ़िया एक्शन बार बार आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, एक्शन से रिएक्शन कैसे होता है, सभी बातें आपकी जिंदगी भर याद रहेंगी। जब से आदमी आई हूँ हिंदू संस्कृति बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन फरिश्ता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और एक दो मिनट के लिए उसमें टूटा, और कल से जैसे फरिश्ता बनकर उड़ रही हूँ, इतनी बिजी रंगीन होते हुए भी और लगता है कि हल्की हूँ और फरिश्ते साथ हूँ, मेरा काम कर रहे हैं। दूसरी बार जहाँ पट्टी की है, पट्टी भी बहुत बढ़िया हुआ था, इसके बाद भी बहुत बढ़िया हुआ, पर कल तो ऐसा चला गया जहाँ पे ऐसे बैठा हूँ, मैं कुर्सी पर बैठा ही नहीं हूँ, मेरे पैर ही नहीं है जहाँ पर, इतना हल्का मन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैं ऐसी करके आपका दो बार परमात्मा है जिन्होंने जहाँ पर हमारी दूरी में इनको भेजा और पहन दिया। ओम शांति। मैं साढ़े अठारह साल से इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, पहले मैं एक अनुभव आश्रम का सुनाता हूँ। आज से 17 साल पहले मैं धूरी में प्रिंसिपल की सेवा निभा रहा था, उस समय अक्सर ये ख्याल आते रहते थे कि सेहत इतनी अच्छी नहीं है, रिटायरमेंट हो जाए बहुत बढ़िया है, फिर सोचने लगा कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल की लाइफ देखने कैसी होती है, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। जब से आश्रम में आया, बाबा का ज्ञान सुना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, तो इस पर ध्यान ही जोड़ दिया। अब मैं 75 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ, कोई मेरी सेहत है जो 58 साल का उससे भी अच्छी है, मैं समझता हूँ बाबा की देन है। अब ये एक अनुभव ये भट्टी का, भट्टी से पहले हम कुछ थोड़े सुस्त हो गए थे, समझ लो कि शादी की वजह से रोज मुरली में नहीं आते थे, अब मतलब मन को कुछ झंझोड़ा है, अब कोशिश करेंगे कि डेली मुरली में आएंगे, और जो 11 दिन आपने जो कहा है, 1 घंटा 1 स्थान 1 संकल्प में 11 दिन का योग करेंगे। मैं गुरु की बहन जी का बहुत आभारी हूँ, इनकी बदौलत में इसमें लगातार मैं लग रहा हूँ, मैं 3 बार मधुबन भी जा चुका हूँ और मैं कोशिश में ड्यूटी करता हुआ अभी लगातार जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे जो ये उठना का टाइम है ना, मैं अभी लाभ लाया, मैं शाम को बाबा को बोलता हूँ
इसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। जब अपना प्लेट था 11 बजे करीब, उस समय जब भाई करा ले रहे क्लास, उस समय ऐसे लग रहा था कि सारी मतलब के जो रिश्ता में लाइट होती है वैसी मतलब लाइट महसूस हो रही थी। मुझे नहीं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो भाई जी का प्रोग्राम, अभी हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई जी का धूरी में प्रोग्राम बनने जा रहा है, लेकिन एक हफ्ता पहले मैंने दीदी को भी बताया, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि स्कूल में कोई बहुत महान आत्मा आने वाली है। मैंने दीदी को पहले ही बताया था कि दीदी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस स्कूल में कोई बहुत महान आत्मा आने वाली है। तो लेकिन जब 1 वीक के बाद पता चला कि भाई जी का प्रोग्राम इसी स्कूल में रखा गया, तो मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। और सबसे ज्यादा रिश्ता स्वरूप के बारे में जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी वो कल बिल्कुल क्लियर होगी। आज सुबह की क्लास नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन घर में भी मैंने रिश्ता स्वरूप का पूरा अभ्यास किया और बहुत आनंद लिया और ऐसे लगा कि ऊपर ही उड़ रहे हैं। और अब भी जब भाई जी रिश्ता स्वरूप की कमेंट्री कर रहे थे तो मेरे को 2 रिश्ते बना के वैसे वैसे छोड़ के कल का जो काम है वो कर हो रहा है। तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दिए हुए जो अनमोल वचन हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इन 2 दिनों की जो बट्टी के दौरान मेरे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आई। पहले मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, कल मेरी भी प्रैक्टिकल हुआ, शाम को जब मैं क्लास में आई 4:30 बजे तो मेरे घर से फोन आया बड़े बेटे का, कहता मम्मी छोटे बेटे का ना साइकिल में था बाजार में, उसको किसी ने कार के टक्कर मारी, वो गिर गया साइकिल, गई बेटा कहिए, कहता आप जल्दी आ जाओ घर पे। मैंने कहा तो अपने पापा को शैलब में फोन कर वो आएंगे। मैं बैठी रही ना जहाँ पापा की ग्रेस वेस नहीं लगी उसको, बाबा मैं आज आपको देख रही हूँ, शायद मेरी पता नहीं गलती किया, पापा को जमाया कल मैंने। मैंने कहा पापा आप अपनी पॉजिटिव वेस उनको दो। मैं जहाँ बैठी रही, मैं रात को जब मैं 8 बजे घर गई, बेटा बिल्कुल ठीक था। बड़ी मेरी पास वाली बैठी थी वो मेरे को कहने लगी, कहते अगर तेरी जगह मैं होती हूँ मैं घर पर आ जाती। मैं कहा नहीं, मैंने पापा को जमाना था। ऐसे ही कल और एक इंसिडेंट हुआ, रात को मेरी बहन का फोन आया समाना से, वो बोली दीदी वो ना काफी अपसेट थी, नेगेटिविटी काफी थी, आगे क्या होता मैं उसको और नेगेटिव कर देती, हाँ उनका ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। मैंने पता नहीं उसको 2-4 मिनट क्या सुनाया, उसका सुबह फोन आया कहते दीदी तूने मेरे को इतना पॉजिटिव किया, मैं बड़ा खुश हुई। मैंने मैंने नहीं कहा, मेरे को कुछ भी नहीं याद, मैंने तेरे को क्या किया क्या बोला है, जैसा बाबा ने बुलवाया मेरे को। ओम शांति। ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अभी ना थोड़े दिनों से सेंटर में आने लगी हूँ, उससे पहले मैं टीवी पे भजन ऐसे सुन लेती थी। तो एक दिन बाबा मिलन का प्रोग्राम चल रहा था, एक दिन ना बाबा मिलन का प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं कि बाबा मिलन क्या होता है। तो मैं तो किचन में गया, मेरा टीवी अंदर चल रहा है, थोड़ी देर में आवाज कैसे आ रही है, जब तक मैं अंदर जाती जब तक दादी चुप कर जाते थे, साइलेंट थोड़े से हो जाते थे। तो मैं उनको सब जगह देख देख के आती हूँ, आवाज आ कहाँ से रही है, आवाज से आ रही है। फिर मैं किचन में आती जब तक दादी फिर बोलने लग जाते, वैसे बाबा मिलन जो होते हैं ना। तो फिर उस दिन मैंने बहुत ध्यान से टीवी को ऐसे भी देखा, मेरी आवाज आ कहाँ से रही है, बहुत ध्यान से देखी रही, तो पहले बैठी के नीचे कभी सोफे के नीचे सब जगह देखा की आवाजें कैसे आ रही है। फिर जब मैंने टीवी को ध्यान से देखा, 2 मिनट रुकी टीवी वाले रूम में, तो पता लगा की बाबा मतलब ये दादी की वो जगह पर, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे आने लगी, कल से जैसे भट्टी में भी आ रही हूँ तो सुना मैंने सारा रिश्ता रूप सुना, तो फिर रिश्ते क्या जैसे अभी मेरे को थोड़ी सी नॉलेज मिली, छोटा सा एक्सपीरियंस है भी, मैंने भाई जी कभी पंची भी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, बताती हूँ तो कल ही बनाया मैंने, कल ही बनाते सोचा बस जो मेरे रिश्ता है वही रखा बस अपने पास, और कुछ नहीं, बस उन्हीं को सोच के मेरे पास वही है, और बाबा जी का ये मेरे सबसे पापा ये लगा लिया, और मैं बेटा भी कल ही आया तो उसी को बोला मैंने तेरे लिए ये बनाया, और एक बहुत टेस्टी शुक्रिया भाई जी। 2 बार तो मैं आपसे ही मिल चुकी हूँ, अभी मुझे 8 महीने हुए हैं, मैंने सोचा भी नहीं था।
मतलब इतना अलग अनुभव हुआ है, मतलब जो लाइफ में सोचा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, वो मिल गया, मतलब शक्ति नहीं है कि मेरे संग संग पापा। पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आप मुझे लोग का कल ही पता लगा हो जाए, रिश्ता सुकून का मुझे पता नहीं था, कल ही रिश्ता बड़े कैसे बना सकते हैं रिश्ते, रिश्ते बनाए तो वो रिश्ते ही मेरे आने पर घूम रहे हैं ऐसे लग रहा है। तो कल सुबह जब मैं आई योग किया, भाई साहब ने कमेंट्री बोली, मुझे पता नहीं है मेरा शरीर कहाँ था, इतना हल्का कोई कह नहीं सकता, मेरा शरीर मुझे पता ही नहीं लगा। घर जाकर मैं बच्चों को बुलाया, मैं कहा योग ऐसा था, ऐसा भाई साहब ने कमेंट्री बोली, मुझे नहीं पता रहा कहाँ उठ गई मैं, सारी लाइटा लाई हुई सी, आपे चाह बना के पी चुके सी, मेनू कहना मां जी नहीं रोटी बाकी मैं बजा दे, मेनू ए लगिया भी बाबा जी शक्ति है, नहीं तो वो मेरे गुस्से होंगे भी 8 बजे रोटी टाइम हो गए बाद में तो फिर जानी बाबा ने याद किया तो वो मेरे इतने गेट लैन वास्ते आया हुआ सी, घर जाके वो कहना कोई ना, मैं कह नहीं बाजारों नहीं लैके आई, मैं घर ही बना लूंगी, कहना कोई ना मैं जी देता हूँ बाद में जैसा को बना के आराम कर लूंगा। क्योंकि हम यहाँ पर जो भर्ती कर रहे हैं, मेरा घर दूर है, मेरे तो ऐसे था कि मैं सुबह 4 बजे उठकर यहाँ पर कैसे आऊंगी, मैंने दीदी को बोला, दीदी कहते कोई बात नहीं आप रात को यहीं पर रुक जाना, तो मैंने घर बात करी, वो कहते ऐसी क्या बात है, मैं तो लेके जाऊंगा, हमने अलार्म लगा लिया 3:30 बजे का, हमें 1:30 बजे से उठ के बैठ जाते हैं, 3 बजे तो नहा भी लेकर 4 बजे आश्रम पहुँच जाते हैं, 2 दिन से हमें पता ही नहीं चलता, कोई थकावट नहीं, हम रिश्ता जैसे ऊपर हवा में उड़ रहे हैं ऐसे महसूस हो रहा है, हमें बहुत हल्के हो गए हैं हम। जब हम शांति भवन तब मैं गई थी और हमारे घर का वातावरण ऐसा था जैसे मतलब हमारे भाई ऐसे थे कि बाहर निकले नहीं देते हमको, तो हमने कहा हमने मधुबन जाना जरूर है, तो इधर तो आश्रम खानी पंजाबी इतने आश्रम यही सीखते आश्रम सी पटियाले, असि मेरी माता में लेके झोली मतलब बस चढ़ना था भी मुश्किल है पढ़ना है सब, मैं पता चली गई कह के मां जाना मैं मतलब जरूर जाना, जो उसे पहुंचे उस दिन मतलब बाबा कले कले मिलते शांति भवन, तो बाबा ने मतलब असि भाई दिन भाई भाई सके सच मेरे वरदान दिता, बाबा कहते कितनी सेवा करोगे, वो तो इन्हें पता नहीं सी 14 साल की उम्र से मेरी सारे पर चौक बहुत ज्यादा सी, घरे भी इन तपस्या करती 4-4 घंटे बैठी रहते बट्टी का, तो बस अनुभव ये है कि रिश्ता तो मानते थे पहले, एक ही रिश्ता मानते थे, कभी मतलब ऊपर बैठते थे धरती पे, कभी कहीं कभी कहीं, अब मैं यहाँ सारी माताओं को क्लास कराती अब तो माताओं ने शरीर पे छोड़ दिया सभी ने, सोचते थे वे आश्रम हो जहाँ आश्रम हो, तो हमने बहुत किरने दी बाबा की आश्रम हो, तब से जब से आश्रम है तो हमने मतलब फिर उससे बाद थोड़ी तबीयत भी खराब रहने लगती, जो माता ने ज्ञान लिया वो तो सब श्री छोड़ के चली गई, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है, सुबह अलार्म लाया था 5 बजे का कि 5 बजे उठूंगा, पर 3:40 पर उठ गया मैं और 4 बजे योग में बैठ गया, बहुत समय से सुबह का योग नहीं कर रहा था, पर अब काफी समय अब मतलब पावर इतनी आ गई है तो कोशिश है भी सुबह 4 बजे का योग करेंगे। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। 2 दिन पहले तो ऐसा था कि दीदी प्रोग्राम ना ही रखे तो
दीदी की तबीयत को देखते हुए कि दीदी की तबीयत इतनी डाउन थी वो मेरे को पता है। उनको देखते हुए मैं दीदी को बोल भी दिया, दो बहनों से भी बात कर ली। तो फिर दीदी कहते भाई देख लो जैसे आपको ठीक लगे, अभी तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं किया तो भाई जी को फोन कर देते हैं। तो चलो फिर मन में सोचने लगे कोई बात नहीं अभी रुको सोचते हैं। पता नहीं फिर भी बाबा ने क्या मन को टच किया कि इतनी सारी आत्माओं को बाबा का पावरफुल संदेश मिलना था। जो फिर जैसे उठ करके हम किचन में आए तो दीदी को बोला दीदी चलो कोई बात नहीं रखेंगे प्रोग्राम तो अपने आप ही हो जाएगा, बाबा अपने आप ही करवा देगा। सच में वैसे ही हुआ। अगले दिन से दीदी की तबीयत भी कुछ ठीक होने लगी। उस दिन जिससे मैंने मोनिया बहन को बल्कि रात को 10 बजे मैंने फोन मैसेज किया कि दीदी की तबीयत बहुत अपसेट है। तो ये कहते चलो कोई बात नहीं फिर कल बात करते हैं, क्योंकि नहीं तो हमने यहां से कहीं बाहर दीदी को दिखाने जाना। उड़ी गया कि कहा जा रहा है, ढोई में भी किसी को नहीं दिखाया, बाहर जाने की तो बात ही छोड़ो। और देखो ये जगह जो मिली तो बात की, हमें था कि पहले एक दो जगह और देखी। तो मदन भाई से भी बात हुई कि क्या करें कौन सा देखें, सब दूर हैं। कहते जी बाबा पे छोड़ दो, कहा ये भी ठीक है चलो बाबा अपने आप ही ढूंढो अभी। तो बैठे बैठे दीदी को संकल्प आ गया, वो बबीता दीदी जो अभी सुना के गई अपना अनुभव, उनका फोन आ गया। कहते दीदी अभी कहाँ रख रहे हो फिर प्रोग्राम? दीदी कहते भाई देख रहे हैं, वो अपना अनुभव जो अभी सुना के गए ना तो वही दीदी को सुना दिया। कहते मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कैसे करके ना स्कूल में एक बहुत पावरफुल तपस्वी आत्मा आ गई है। तो दीदी कहते नहीं उधर के स्कूल में तो देखो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इधर क्या बताओ हमें क्या हो सकता है। कहते आप पुराने पुराने व्यक्ति से बात करो तो हो जाएगा। वैसे ही की जस्ट उन्होंने 5 मिनट में हमें यस कर दी। बाबा ने इतना आसान उधर से रमेश भाई जी के ये पावर को संकल्प कर रहे कि दूरी में जाना ही है। माता जी बीमार थी, मैंने कहा पंजाब में एक बच्ची तो पोस्टपोन की आगरा में थी क्योंकि माता जी बहुत सीरियस थी। मैंने कहा पंजाब का कैंसिल नहीं करेंगे, पोस्टपोन नहीं करेंगे। और फिर मैं यहाँ के लिए तो दृढ़ संकल्प ले किया था कि वो करना ही है। इसलिए बाबा या तो माता जी को संपूर्ण रूप से ठीक करा या तो ड्रामा है ना। तो इसी हिसाब से माता जी अचानक सब कुछ ठीक होने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा क्योंकि पंजाब आना था। और बाकी ये 2 दिन की भट्टी कर भी रही है, मेरा तो चलना फिरना आप देख ही रहे हो क्योंकि मैं बैठती कम हूँ चलती फिरती जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी बाबा की शक्ति इतनी मिल रही है कि 3-4 दिन से कोई रेस्ट नहीं है। सुबह में जैसे शायद 2:30 बजे उठ जाते हैं हम लोग, उसके बाद कोई रेस्ट नहीं है। तो ठीक है रात को 11:30 बजे सोए, 2:30 बजे उठ गया। लेकिन ये पावरफुल एक और बात जो पहले भी एक बहन सुना के गई है, मेरे साथ भी यह सिर्फ हुआ। हम लोग रात जाके 9:30 बजे खाना खा रहे हैं, खाना खा ही रहे हैं। भाई साहब को खाना खिलाने के बाद हम लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, आप अपने खाना भी खा लिया। उसी समय फोन आता है किसी के घर से, पहले कोई बात का कुछ भी नहीं पता कि ऐसी कोई बातचीत चल भी रही है या कुछ है। दीदी वक्त मेरी मुंह की तरफ देख रहे हैं कि किससे बात कर रही है। चलो मेरे से वो बहन बात कर रही है कि भाई ऐसे करके कुछ बच्चे की प्रॉब्लम है तो कैसे करें हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है 6-7 महीने से। रोज मिलते हैं हम लोग,
कभी बात नहीं की। तो कहते दीदी अभी बस पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मैंने कहा चलो ठीक है आप बच्चे की बात करवाओ। बच्चे ने एक सेकेंड ही बात की तो ओम शांति बोले। तो मैंने कहा क्या हो गया, चलो अपना कुछ तो सुना नहीं पाया वो, कह मम्मा से बात कर लो। चलो मम्मा ने बात, मैंने कहा नहीं मैंने आपसे ही बात करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है फोन पे नहीं बात करनी तो मैं आपके घर आ जाती हूँ। उसी समय मैं उनके घर गई, 10-15 पे तो मैं वहां से वापिस आई। तो जो बच्चा मेरा ख्याल है वो महीने से सो नहीं पा रहा था रात को, आज सुबह ही मेरे को वो बता के गया कि रात को मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। उसने यहाँ भी अटेंड किया बैठा तो उस यहाँ आकर के भी अच्छा लगा। लेकिन कहता रात दीदी जो आपसे मेरे को बात करके ना पावर मिली उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को बहुत अच्छी नींद आ गई। उसे मम्मा ने भी सुनाया बताया, कहते मेरे से बातें करते करते बस ये सो गया, नहीं तो कहां, हम इतना जोर लगाते थे सो जा नहीं कुछ नहीं। कि ये किसकी कमाल थी, पहले भी हम लोग मिलते हैं कभी भी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पर 2 दिन तपस्या करने का ही फल है जो बाबा अपने आप ही अपना कार्य करवाता है। इसलिए आगे से भी यही संकल्प है कि समय प्रति समय हम ऐसी योग भट्टी रखते रहेंगे। और अभी से अपना भी कि ये नहीं कि भाई साहब वहां से आए हमारे लिए तभी हम अपनी दृढ़ता को मजबूत बनाए, लेकिन टाइम टू रूम टाइम टू अमृत वेला जो भाई साहब ने बताया कि अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि अमृत वेला की हमें पावरफुल संकल्प देता है, पावरफुल समय स्टेज पर लेके आता है, हमारे अंदर पावर्स ज्यादा बढ़ती है उससे। क्योंकि वो सारा दिन हमारी जैसे मोबाइल का होता है कि मोबाइल सुबह उठते ही क्या करते हैं हम लोग कि देखिए बैटरी कितनी हो गई उसको देखते हैं कि डाउन तो नहीं है, अगर डाउन लगती है थोड़ी बहुत भी 10-20% भी डाउन लगती है ना तो भी क्या करते हैं फटाफट उसको चार्जिंग पे लगाते हैं। तो इसी तरह हमने भी रोज सुबह उठ करके अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। सदा हिफाजत करने वाले, सदा सलामत रखने वाले, सदा सफलता देने वाले।